नमस्कार दोस्तों, कैसेक्रेन.com में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं पेटीएम ऐप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे पेटीएम ऐप के बारे में कि आप जो है वो पेटीएम ऐप में पैसा ऐड कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आप पेटीएम ऐप में पैसा ऐड कैसे कर सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और सीख लीजिए कैसे करें। तो दोस्तों, पेटीएम ऐप में पैसा ऐड करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास जरूरी है कि आपके पास आपका पेटीएम अकाउंट होना चाहिए दोस्तों। अगर नहीं है तो हमने आई बटन में एक वीडियो डाल दी है जिससे आप जान सकते हैं कि आप पैसा ऐड जो है वो अकाउंट जो है वो दोस्तों कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको करना है कि आपको ओपन करना है अपना पेटीएम ऐप जैसा हम आपको बिल्कुल स्क्रीन में दिखा रहे हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको क्लिक करना है ऐड मनी पे। जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करेंगे ऐड मनी पे, आपसे जो है वो पैसा पूछा जाएगा कि कितना पैसा जो है वो आप ऐड करना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ 104 रुपये ऐड करना, तो जहां पे अमाउंट लिखा हुआ है दोस्तों वहां पे मैं जो है वो अमाउंट ऐड कर लेता हूँ। यानी मैं चाहता हूँ 104 रुपये, तो ऐड कर लेता हूँ 104। उसके बाद क्लिक करना है दोस्तों ऐड मनी पे। दोस्तों, जैसे ही हम ऐड मनी पे क्लिक करेंगे, एक प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग के बाद आपको उस जगह लेकर के जाया जाएगा दोस्तों जहां से आप अपने बैंकिंग डिटेल्स को फिल करके पेमेंट जो है वो दोस्तों डाल सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ऑप्शन होगा डेबिट कार्ड का, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है यानी आपका एटीएम कार्ड। वरना दोस्तों, आप नीचे दिए गए ऑप्शन है दोस्तों जैसे नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई, आप दोस्तों नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। अपना बैंक चूज कर लीजिए और जो है पेमेंट पे नाउ पे क्लिक करके आगे जो है दोस्तों प्रोसेस कर दीजिए। अभी के लिए सबसे आसान है दोस्तों डेबिट कार्ड, तो मैं डेबिट कार्ड को ओके कर लेता हूँ। डेबिट कार्ड को ओके करने के बाद दोस्तों, जहां पे कार्ड नंबर दिया हुआ दोस्तों, आपके कार्ड के ऊपर दिए हुए नंबर जो है वो एंटर कर लेने हैं, जैसा मैं एंटर कर रहा हूँ बिल्कुल। तो दोस्तों, कार्ड के नंबर जो है दोस्तों वो एंटर करने के बाद आपसे जो है वो कार्ड के ऊपर होता है दोस्तों मंथ एंड डेट यानी ईयर। तो दोस्तों, मंथ जो है वो 2 है मेरा और ईयर है 2018, तो मैं वो चूज कर लेता हूँ दोस्तों। कार्ड को घुमाने के बाद दोस्तों, एक सफेद पट्टी में आपको 3 डिजिट्स की संख्या होगी, एक 4 की होगी, एक 3 की। तो दोस्तों, लास्ट में जो 3 की है आप उसको एंटर कर दीजिए सीवीवी कोड में, और पे नाउ पे जो है दोस्तों क्लिक कर दीजिए जैसा हम बिल्कुल आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों, जैसे ही आप क्लिक करेंगे पे नाउ पे, एक प्रोसेसिंग होगी दोस्तों, और उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे, उस मोबाइल नंबर पे जो बैंक में आपने दिया हुआ है दोस्तों, जिसका एटीएम कार्ड जो है दोस्तों आप यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको एक वन टाइम पासवर्ड जो है वो दोस्तों सेंड किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास वन टाइम पासवर्ड आ गया है, मेरे पास जो है वो मेरा पासवर्ड आ गया है वन टाइम, तो मैं उसको एंटर कर लेता हूँ। और दोस्तों, अगर आपके पास आपका अगर ओटीपी नहीं आता है, तो दोस्तों आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको क्लिक करना है क्लिक हेयर टू रिसेंड ओटीपी, जहां पे लिखा हुआ है दोस्तों वहां पे क्लिक हेयर पे ओके कर दीजिए। अगर आपके पास आ गया है तो आप एंटर ओटीपी में ओटीपी करके सबमिट पे जो है दोस्तों क्लिक कर दीजिए। सबमिट पे क्लिक करते ही दोस्तों कुछ सेकंड्स के लिए प्रोसेसिंग होगी, और उसके बाद दोस्तों आपके सामने सक्सेसफुल का जो मैसेज है दोस्तों वो आ जाएगा, लिखा होगा ग्रीन कलर में सक्सेस। इसका मतलब जो आपकी पेमेंट है दोस्तों वो हो गई है, और आपके अकाउंट से भी जो पैसे हैं दोस्तों वो कट जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, जो यूज करना चाहते हैं दोस्तों आप वो यूज जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने पेटीएम ऐप में अकाउंट में पैसा ऐड कर सकते हैं। आप पासबुक पे क्लिक करके अपनी पूरी जानकारी, जो आपके अकाउंट में पैसा है दोस्तों उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। पैसा बैंक अकाउंट में भी सेंड कर सकते हैं। इस तरह की और जानकारियों के लिए आप हमारी अन्य वीडियोज को देख लीजिए, जो वीडियोज इस वीडियो के अंत में जो है वो आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, अभी के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को जो है दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक जो है वो बिना किसी खर्च के पहुंचती रहे। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों, जानकारी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जो है वो कर लीजिए।